गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर पिलसानिया जी। टुडे विल डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, डोंट स्किप वीडियो, वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इन पॉइंट्स के बारे में। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? रेनल चेंजेस, इंटिग्यूमेंट्री चेंजेस, रिप्रोडक्टिव चेंजेस, गैस्ट्रो इंटेस्टल चेंजेस, एंडोग्राइन चेंजेस और ब्रेस्ट चेंजेस। ओके, फर्स्ट अपना आता है रेनल चेंजेस। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों जीएफआर इंक्रीज अप टू 50%। जीएफआर कितना इंक्रीज होगा? अप टू 50%। ओके, और इसके अंदर डिक्रीज प्रोटीन एंड ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा, और प्रोटीन का लेवल भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज रेनल प्लाज्मा फ्लो। जो नॉर्मल रेनल प्लाज्मा फ्लो है उस वो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, नॉर्मल जीएफआर 125 ml पर मिनट, बट इट इंक्रीज लेवल गोज 180 to 190 ml पर मिनट। ठीक है, नॉर्मल जीएफआर कितना होता है? 125 ml पर मिनट। ठीक है, और वो बढ़ के कितना हो जाएगा? 180 ml से लेके 190 ml पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आयोडीन लॉस बाय किडनी। आयोडीन का लॉस होगा किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। एंड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, यहां पे एब्जॉर्प्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। नॉर्मल आयोडीन का रिक्वायरमेंट कितना होता है बॉडी के अंदर? एडल्ट की बात करें तो 0.1 to 0.2 mg पर डे होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? 0.2 to 0.5 mg पर डे। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है रेनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज डिक्रीज 180 mg पर डीएल। रेनल थ्रेशोल्ड इज डिक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यहां पे रेनल थ्रेशोल्ड क्या होता है गाइस? कि अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल 180 mg पर डीएल से नीचे या 180 mg पर डीएल हो, उस टाइम यूरिन के अंदर ग्लूकोज पास आउट नहीं होता। अगर ये 180 mg पर डीएल से बढ़ के इंक्रीज हो इसका लेवल ब्लड ग्लूकोज का, तो यूरिन के अंदर पास आउट होता है। इसी को अपन रेनल थ्रेशोल्ड बोलते हैं। ओके, व्हेन ग्लूकोज एक्सक्रेट विथ यूरिन देन दैट कंडीशन बिकम ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया कंडीशन कब आती है? जब ग्लूकोज का लेवल यूरिन के अंदर पाया जाता हो या मिले। ठीक है, अब इसके अंदर ग्लाइकोसूरिया को कैसे अपन मेजर करते हैं, कैसे अपन डायग्नोसिस करते हैं, वो इसके अंदर बेनेडिक्ट टेस्ट होता है। तो दोस्तों बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है? इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेते हैं। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? 5 ml का सॉल्यूशन लेते हैं, जिसके अंदर ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन लेने के बाद अपन क्या मिक्स करेंगे? 8 drops ऑफ यूरिन। ओके, उसको मिक्स करने के बाद अपन के पास दो कंडीशन आएंगी। कौन कौन सी कंडीशन आएगी? अगर यूरिन जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का कलर अगर रेड आता है, तो इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज का लेवल यूरिन के अंदर प्रेजेंट है। अगर इसका कलर रेड ना के ब्लू कलर आता है, तो इसका मतलब ग्लूकोज यूरिन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब रेनल चेंजेस के बारे में बात करें तो किडनी की साइज में भी चेंजेस आएंगे। जो नॉर्मल साइज है उससे 1.5 सेंटीमीटर बढ़ के साइज दिखेगा किडनी का। ग्लाइकोसूरिया एबनॉर्मल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। प्रोटीन यूरिया क्या होता है? 300 mg पर डे। ओके, और सीरम क्रिएटिनिन लेवल क्या होगा? डिक्रीज होगा दोस्तों। कितना डिक्रीज होगा दोस्तों? 0.7 to 0.5 mg पर डीएल। ठीक है, क्रिएटिन क्लीयरेंस लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा दोस्तों। कितना इंक्रीज होगा? 30% इंक्रीज होगा।
फ्रॉम 100 टू 115 ml पर मिनट, ठीक है। यूरेटर क्या होगा, डायलेट होगा। यूरेटर क्या होगा दोस्तों, डायलेट। क्यों होगा, ग्रेविड यूट्रस प्रेशर एंड प्रोजेस्टोन की वजह से यूरेटर क्या होगा, डायलेट होगा, ध्यान दीजिए। ब्लैडर क्या होगा, ब्लैडर के अंदर क्या होगा कि यूरिन का पास आउट क्या होगा, फ्रिक्वेंटली होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर का इंक्रीज होता है और जो यूरेथल नॉर्मल जो यूरेथल लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है दोस्तों। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, ब्लैडर के अंदर चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से यूरिन फ्रिक्वेंटली पास आउट करते हैं, ठीक है। अब इंटरमीडिएट चेंजेस की बात करें, स्किन के अंदर अपन को क्या क्या चेंजेस दिखेंगे बॉडी के ऊपर वो देखिए। लीनियर नाइग्रा, यहां से क्वेश्चन उठ के आते हैं, ठीक है। लीनियर नाइग्रा क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर डार्क ब्राउन लाइन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, डार्क ब्राउन लाइन का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जीपोइड प्रोसेस की वजह से, ठीक है। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, लीनिया नाइगेरा, ओके। अब दोस्तों ये अपियर कब होती है, 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। गेस्टेशन का 20 वीक्स पे इसका अपियर होता है। अब सेकंड पॉइंट अपना आता है स्टेवी गेरिविडेरम। स्टेवी गेरिविडेरम क्या होता है दोस्तों, स्मॉल पिंक लाइन सीन ऑन द एब्डोमन ड्यू टू द ग्रेविड यूट्रस। एब्डोमन के ऊपर स्मॉल लाइन होगा, लाइन दिखेगी अपन को किस कलर की, पिंक कलर की। क्यों दिखेगी, क्योंकि ग्रेविड यूट्रस की वजह से। अब दोस्तों ग्रेविड यूट्रस क्या होता है दोस्तों, जब फीटस या गेस्टेशन पीरियड का बढ़ना, उसी दौरान फीटल का डेवलपमेंट होता है और इसकी वजह से स्किन पर, एब्डोमिनल स्किन पर स्ट्रेचिंग होती है, उसकी वजह से ये लाइन होती है, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर जो स्मॉल पिंक लाइन है वो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर भी देखा जाता है और ओबेज वुमेन या फीमेल के अंदर भी देखा जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेवी, ओके, स्टेवी बोलते हैं। डिलीवरी के बाद जो पिंक लाइन होती है सीन अपन को, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों, व्हाइट लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टेवी एल्बिकेन्स, ओके, क्या बोलते हैं, स्टेवी एल्बिकेन्स। और ये कब अपीयर होती है, 20 वीक्स पे अपीयर होती है। क्लोस्मा, प्रेगनेंसी साइन और बटरफ्लाई साइन सेम चीज है, ओके। इसके अंदर क्या होता है, फोरहेड और नोज के अंदर डार्क पिगमेंटेशन का फॉर्मेशन होता है, ओके, डार्क पिगमेंटेशन का अपीयर ये होता है 24 वीक्स पे, ठीक है, प्रेगनेंसी साइन, जिसको अपन प्रेगनेंसी साइन भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो मार्क दिखते हैं और जो धब्बे दिखते हैं उसको अपन किसकी हेल्प से अपन रिमूव कर सकते हैं, एल्जेलिक एसिड लोशन, ठीक है, इससे अपन रिमूव करते हैं। रिपीटेटिव चेंजेस के बारे में बात करें तो जैकमिर साइन के कब अपियर होता है, 6 वीक पे अपियर होता है। और इसके अंदर क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है वेजाइना के ऊपर, ठीक है। चिडविक साइन क्या होता है दोस्तों, 6 वीक पे अपियर होता है और ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, कहां, सर्विक्स पे, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। ओसिंडर साइन क्या होता है दोस्तों, 8 वीक पे अपियर होता है और फील पल्स करेंगे सर्विक्स के अंदर, कहां फील करेंगे, देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, सर्विक्स के अंदर पल्स फील करते हैं तब एक स्पेरिकल आर्टरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, स्पेरिकल आर्टरी, वो कहां पा जाती है, लेटरल फोर्निक्स के अंदर, तो वहां से अपन पल्स फील कर सकते हैं, ठीक है। ग्यूटियल साइन क्या होता है दोस्तों, सोप्टिन ऑफ सर्विक्स और अपियर कब होता है दोस्तों, 6 to 10 वीक। हैगर साइन क्या होता है दोस्तों, सोप्टिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, सोप्टिंग किसमें होगी, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। अपियर कब होगा, 6 to 8 वीक्स पे, ठीक है। पल्मर साइन क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है, 4 to 8 वीक पे अपन को देखने को मिलता है। सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ नहीं, बस इसके बारे में, बस अपीयरेंस और कहां क्या चेंजेस देखने को मिलता है उसमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। ब्रोकस्टोन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों,
पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है और ये अपियर कब होता है 18 to 20 वीक्स। इन कुछ बुक्स के अंदर इसको 16 टू 20 वीक्स भी माना गया है, तो दोनों ही क्या होते हैं, सही होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रेस्ट चेंजेस के अंदर, तो मेमोजेनियस क्या होता है, मेमोजेनियस क्या होता है दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का क्या होता है डेवलपमेंट, या फिर बोल सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलप ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट डिपोजिट ऑफ फैट एंड प्रोटीन, इंक्रीज साइज ऑफ द ब्रेस्ट, अनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट अराउंड द निप्पल सबकेसियस ग्लैंड, निप्पल के अराउंड क्या होता है सबकेसियस ग्लैंड होती है, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है दोस्तों अपन को, हाइपरट्रोफी, कब, प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, अब दोस्तों टाइप ऑफ द एरियोला, व्हाट इज ए एरियोला। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्राइमरी एरियोला, सेकेंडरी एरियोला। प्राइमरी एरियोला क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर प्राइमरी एरियोला फॉर्मेशन ऑफ द मेनेटोगोमेरी ट्यूब्रिकल, इट इज गिव डार्क पिगमेंट एरिया। सिंपल सी चीज है दोस्तों, प्राइमरी एरियोला के अंदर अपन को क्या दिखेगा, डार्क पिगमेंट एरिया, कहां, सेंटर ऑफ द निप्पल। ठीक है, इट्स अपियर 12 वीक। ओके, सेकेंडरी एरियोला के अंदर क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ द लाइट पिगमेंट एरिया अराउंड द प्राइमरी एरियोला इज नोन एज सेकेंडरी। जो प्राइमरी एरियोला है उसके चारों तरफ क्या दिखेगा अपन को, लाइट पिगमेंट एरिया दिखेगा, उसको अपन सेकेंडरी एरियोला बोलते हैं, जो कि 20 वीक्स क्या होता है, अपियर होता है। अब मेनेटोगोमेरी ट्यूब्रिकल क्या होता है दोस्तों, ड्यू टू हाइपरट्रोफी ऑफ सबकेसियस ग्लैंड इन द प्राइमरी एरियोला, सबकेसियस ग्लैंड के अंदर हाइपरट्रोफी होता है प्राइमरी एरियोला के अंदर, उसी को अपन मेनेटोगोमेरी ट्यूब्रिकल बोलते हैं। अब इसके अंदर एस्ट्रोजन, प्रोस्टोजन और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या क्या चेंजेस दे लीड करते हैं वो देखिए। एस्ट्रोजन करेगा क्या, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द ग्रेन्यूल डक्स। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रोलेफ्रेशन ऑफ डक्टियल एपिथेलियल ऑफ द एलुलाई। ओके, और प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मिल्क सीक्रेशन का काम करेगा, कब, आफ्टर बर्थ। ठीक है, गैस्ट्रोजन इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, पायरोसिस के अंदर, पायरोसिस क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसको अपन हार्ट बर्न भी बोलते हैं। गैस्ट्रिक एम्पेटिक टाइम क्या होगा, अनचेंज होगा दोस्तों, और मोस्टली प्रेगनेंसी के दौरान अपन को कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। ठीक है, लीवर फंक्शन के अंदर दोस्तों एल्कलाइन फॉस्फेट क्या होगा, डबल होगा, और एसजीपीटी ओटी जीजीटी क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, रिड्यूस। सीरम एल्बुमिन कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा दोस्तों, सीरम एल्बुमिन का क्या कंसेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज, लेकिन दोस्तों टोटल एल्बुमिन क्या होगा, इंक्रीज होगा। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जीआई चेंजेस के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन बढ़ता है दोस्तों, उसकी वजह से रिलैक्स द कार्डिक स्पिंजर, कार्डिक स्पिंजर क्या होगा, रिलैक्स होगा, क्या बोलेंगे, रिगर्जेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो वुमन प्रेगनेंसी के दौरान खाना वाना डाइट वगैरह लेती है, उसी दौरान फूड लेने के बाद रिटर्न होके माउथ में आ जाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिगर्जेशन, क्या बोलते हैं, रिगर्जेशन। ठीक है, इसके अंदर ट्रांसलेट करें तो इंग्लिश के अंदर क्या होगा, द एक्शन ऑफ द ब्रिंगिंग स्वेल्ड फूड अप टू अगेन टू द माउथ। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं अपन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होगा, हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, और पिट्यूटरी ग्लैंड अनलार्ज होगी, कितना होगी, 135% होगी, और इसके अंदर एस्ट्रोजन स्टिमुलेट एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, उसकी वजह से हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा। ठीक है, मैटरनल सीरम प्रोलैक्टिन लेवल पैरेलल इन द इंक्रीज साइज, जो मैटरनल सीरम है जो इंक्रीजिंग साइज के अंदर क्या होगा, पैरेलल होगा, बराबर होगा। गोनेडोट्रोप्स इंक्रीजिंग नंबर्स, गोनेडोट्रोप्स का क्या बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा। कोर्टिकोट्रोप्स, थायरोट्रोप्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसके अंदर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। सेमेडोट्रोप्स सप्रेस्ड होगा। ठीक है, और दोस्तों एलएच और एफएसएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेकेंड पॉइंट टीएसएच एसीटीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा। थायरॉइड और अनलार्ज क्या होगा, थायरॉइड क्या होगा, अनलार्ज होगा। क्यों होगा दोस्तों, टीएसएच और एसीजी इंक्रीज होगा। थायरोक्सिन क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। टीबीजी क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। और टीबीजी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों,
थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबिन, ठीक है। T3 एंड T4 क्या होगा, अनचेंज होगा। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है और फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टॉपिक अपन ने क्लियर किया है, इसके अंदर अपन ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा फर्स्ट वाला, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज आप जाकर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक शेयर कमेंट, और दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है टॉपिक के रिलेटेड तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन जल्दी मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।